हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पार्क रियलिटी टीवी। तो कैसे आप सब? मेरा नाम रूसा मुबीन है। और मेरा नाम है मोहम्मद मुबीन। हम जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से अक्सर हमें जो है ना डिस्प्यूटेड खबरें सुनने को मिलती हैं, मगर आज जो हमारे पास वीडियो है जो कि हमने मिलकर देखनी है, उसका टाइटल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस टाइटल के मुताबिक जो है यूएई जो है वो 5000 स्क्वायर फीट का एक मॉल बनाने जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। जी, हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, क्योंकि हमने कभी भी जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से इस तरह की कोई न्यूज नहीं सुनी, ना ही हमें कोई मॉल्स वगैरह के बारे में वहां की कोई कभी कोई अच्छी खबर मिली है, मगर ये एक बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग कि ये क्या हुआ, कैसे ऐलान हुआ, क्या हुआ। अब वो तो हम वीडियो आपके साथ ही देखते हैं, आपको पता काम हो रहा होगा किस तरह काम हो रहा है। तो आप वीडियो देखेंगे तो फिर उसमें और हमें मजीद डिटेल पता चलेगी, फिर वीडियो के बाद अपने रिव्यूज भी हम आपके लिए पेश करेंगे। मगर आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि आपको हमारी तमाम तरह वीडियो की अपडेट मिलती रहे। Yes. और हमारी वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जाने। 1, 2, 3। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने रिसेंटली करी है एक बहुत ही मेजर अनाउंसमेंट। ये लोग बनाने वाले हैं एक मेगा 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल इन जम्मू कश्मीर कैपिटल श्रीनगर। यहाँ पर आप देख पाओगे श्रीनगर यहाँ पे है, यहीं पर बनेगा ये मॉल और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। इसकी अनाउंसमेंट करी है यहाँ पर यूएई के एम्बेसडर टू इंडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे इस पर आर्टिकल भी है। दुबई इमार ग्रुप, ये जो कंपनी है ये भी अपने आप में एक मैसिव कंपनी है इन कंस्ट्रक्शन फील्ड। इन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में ये मॉल एक लैंडमार्क होगा और बिल्कुल होगा भी। 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल आपको जम्मू कश्मीर में नहीं मिलेगा। एक्चुअली इंडिया की कई स्टेट्स हैं वहां पे आपको 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल नहीं मिलने वाला, और इसलिए आज के समय ये जो न्यूज है इसको अरब मीडिया, इंडियन मीडिया इतना एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है। और इस प्रोजेक्ट से देखो पूरी यूनियन टेरिटरी को काफी फायदा मिलने वाला है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी के रेट्स हैं ये काफी हद तक बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और ऑब्वियस ही बात है जम्मू कश्मीर यूटी में इससे टूरिज्म भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे आप अगर देखो शॉपिंग सेंटर मॉल्स इनकी काफी कमी थी। और अब इंडिया लेके भी यहाँ पर किसको आया है, इमार ग्रुप को। अब इस ग्रुप के बारे में आपको कुछ पहले पता होना चाहिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये जो प्रोजेक्ट है इतना बड़ा क्यों है, क्यों दुनिया भर का मीडिया इसको कवर कर रहा है। देखो इमार ग्रुप एक बहुत ही बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की। इसकी जो टोटल वैल्यूएशन है ये बताई जाती है 15 से 16 बिलियन डॉलर्स के आसपास है एज ऑफ 2021। और आई एम श्योर आप लोगों ने बुर्ज खलीफा के बारे में काफी बार सुना होगा, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग। ये जो बिल्डिंग है ये भी इमार प्रॉपर्टीज ने ही डेवलप करी है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा ऑफ कोर्स आपको मिलेगा दुबई में। यहाँ पर आप देखोगे हर जगह इनकी जो ब्रांडिंग है ये आपको मिलेगी बुर्ज खलीफा के आसपास। और ना सिर्फ बुर्ज खलीफा, उसके अलावा यूएई में जो भी लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स है जिसकी वजह से यूएई में बहुत सा टूरिज्म आता है ये इमार ग्रुप ने ही बनाए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल दुबई मॉल, दुबई मॉल है दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर बाय टोटल एरिया कवर। बताया जाता है कि 50 लाख स्क्वायर फीट का टोटल एरिया ये कवर करता है। एक ह्यूमंगस प्लेस है शॉपिंग करने के लिए। एक दिन में पूरा जो ये मॉल है एक आदमी घूम ही नहीं सकता। कई लोग एक्चुअली जो कहते हैं दुबई में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं वो फ्लाइट करके सीधा दुबई मॉल में जाते हैं, यहाँ पर करते हैं शॉपिंग और बाहर जाते हैं। और अपने आप पे देखिए दुनिया भर के सारे ब्रांड, सारे मेजर कंपनीज यहाँ पे आपको मिलेगी। और सिंस बुर्ज खलीफा भी इसके पास में ही है तो इससे टूरिज्म बहुत ज्यादा यहाँ पर जनरेट होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवेन्यू का सोर्स है आज के समय यूएई के लिए ये मॉल और बुर्ज खलीफा। और ऐसा नहीं है कि इमार ग्रुप ने इससे पहले इंडिया में कोई मेजर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया। आई एम श्योर आपको याद होगा कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 के बारे में, ये कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करी थी न्यू दिल्ली ने। हालांकि करप्शन बहुत हुआ था इन गेम्स में तो बहुत ज्यादा अच्छी यादें नहीं है हमारी, मगर आपको याद होगा जो गेम्स विलेज यहाँ पर बनाया गया था जो आज भी खड़ा है बहुत अच्छा बना था। और उस टाइम जो ये गेम्स विलेज है ये भी बनाया था इमार इंडिया ने। ये ऑफकोर्स इमार प्रॉपर्टीज की इंडियन सब्सिडियरी है। उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इमार ने भारत में काफी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, मगर जो ये जम्मू कश्मीर वाला प्रोजेक्ट है इसमें एक जियोपॉलिटिकल एंगल भी इन्वॉल्व है। यूएई की सरकार अच्छे से जानती है कि इमार कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है, वहां पे सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ी बहुत कभी खराब रहती है। मगर मैं आपको ये बता दूं कश्मीर के मामले में, कश्मीर के इशू को लेकर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हमेशा से इंडिया के साथ खड़ा है। इमार ने यहाँ पर यह कहा है कि ये मॉल तो सिर्फ एक बिगिनिंग है, इसके बाद जम्मू कश्मीर में ये लोग रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी मतलब कि और होटल वगैरह बहुत कुछ कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव ये है कि जम्मू कश्मीर को प्रॉपरली इंडिया से ये लोग कनेक्ट करें इकोनॉमिकली भी।
सड़कें तो बना देंगे हम, सड़कें टनल वगैरह वो सब हम बना देंगे, मगर जो बिजनेसमैन है दिल्ली में बैठे हुए, मुंबई में बैठे हुए, चेन्नई में बैठे हुए, इनकी अट्रैक्शन हम कैसे बढ़ाएंगे जम्मू कश्मीर में? ऑब्वियसली पहले वहां पर कुछ ना कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इसलिए देखिए ये जो मॉल का आइडिया है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे ओवरऑल क्या होगा कि टूरिज्म यहाँ पे बढ़ेगा, बिजनेस भी बढ़ेगा। और आप अगर दिल्ली में भी देखो ना तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर मॉल है ये 12 लाख स्क्वायर फीट का आपको मिलेगा इन ग्रॉस लीजेबल एरिया। इवन जो दिल्ली के बड़े बड़े मॉल आप अगर देखो तो 6 लाख स्क्वायर फीट के आसपास के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेलेक्ट सिटी वॉक हो गया, डीएलएफ का हो गया मॉल, 5 लाख स्क्वायर फीट का मॉल अगर ये लोग यहाँ पे बना रहे हैं तो ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और आप समझ सकते हैं अगर इमार यहाँ पे इन्वॉल्व है तो ये अपनी ब्रांड वैल्यू को भी सेव रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जेन्युइनली एक बहुत ही खूबसूरत लैंडमार्क बने फॉर दी एंटायर जम्मू कश्मीर। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जब आर्टिकल 370 रिमूव किया था तब उस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स उन पहले चुनिंदा कंट्रीज में से था जो इंडिया के सपोर्ट में आया था, और यूएई ने यहाँ पर ओपनली कहा था कि हम लोग मानते हैं कि आर्टिकल 370 का रिमूवल इंडिया का इंटरनल मैटर है। और ये स्टेटमेंट आई थी एक ऐसे टाइम में जब इमरान खान कह रहे थे दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर्स को कि इंडिया को रोको, आर्टिकल 370 वापस रिस्टोर करवाओ। अब यहाँ पर डेफिनेटली आप सोचेंगे मगर यूएई ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान से बिल्कुल ही दूर हो गया है, बीच बीच में थोड़ा बहुत लोन उनको देते रहते हैं। देखिए ऑब्वियस ही बात है यूएई ना इंडिया के समर्थन में है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इनको बस अपना इंटरेस्ट देखना है। यूएई के लिए बेस्ट सिनेरियो तो ये होगा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों के रिलेशंस काफी हद तक इम्प्रूव हो जाए, मगर सिंस दोनों के रिलेशंस खराब हैं और काफी बार यूएई को चुनना पड़ता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इवेंचुअली जब चूज करने की बारी आती है तब ये इंडिया को ही चूज करते हैं। और इसका रीजन क्या है? रीजन मैं आपको दिखाता हूँ यूएई की ऑफिशियल वेबसाइट से। तो ये जी आपके सामने रीजन, ये है यूएई के टॉप 5 इंपोर्ट पार्टनर्स और ये है यूएई के टॉप 5 एक्सपोर्ट पार्टनर्स। ये जो वेबसाइट है बाय द वे ये एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन यूएस की है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्पोर्ट के मामले में हम चाइना से थोड़े से पीछे हैं, एक्सपोर्ट के मामले में हम चाइना से भी ऊपर आते हैं। हम लोग ट्रेड के मामले में यूएई के एक इंडिस्पेंसिबल पार्टनर हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि कंट्रीज को अगर करीब लाना है तो ट्रेड में इंप्रूवमेंट लानी होगी। बहुत ही रेयरली होता है कि जब कंट्रीज अपने टॉप ट्रेडिंग पार्टनर के साथ रिलेशंस खराब करती हैं। इंडिया और रशिया का भी मैं यही कहूंगा ट्रेजेडी है कि दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है आज तक 20 बिलियन डॉलर्स तक भी नहीं पहुंच पाया। जिस दिन मैं आपको ये बता दूं इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है ये पहुंच गया 60 बिलियन 70 बिलियन के आसपास, तो रशिया ओपनली हर मामले में चाइना की आलोचना करेगा इंडिया के समर्थन में, जैसे कश्मीर के केस में यूएई कर रहा है। तो देखिए इकोनॉमिक्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को ये भी पता है कि जो इनकी फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी है उसका भी जरा कुछ भविष्य है नहीं, धीरे धीरे दुनिया ग्रीनर फॉर्म ऑफ फ्यूल की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसे सिनेरियो में इन द फ्यूचर इंडिया इनके लिए एक और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बनने वाला है। और इस सब के अलावा हमको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि आज के समय जो वेस्ट एशिया में नया क्वाड बनाया गया है उसका भी यूएई पार्ट है। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा फाइनल क्वेश्चन कि जो नया क्वाड रिसेंटली बना है जहाँ पे भारत है, यूएसए है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी है, वहाँ पर चौथा कंट्री कौन सा है? आपकी ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इजराइल या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर चौथा देश कौन सा है। जो सही आंसर देगा उसकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है थ्रू द कमेंट सेक्शन। और हाँ यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी ने अपनी 2022 की जो सेल है 22% ऑफ की सेल ये दो दिन के लिए बहुत ही स्पेशल, बहुत ही अच्छी खुशखबरी वाली न्यूज है कि यूएई वाले और उनके ये जो इमार जो है जो बेसिकली अच्छा ये भी पहले सॉरी कर दूं, पहले मैंने 5,000 स्क्वायर फीट बोल दिया था जबकि ये 5 लाख स्क्वायर फीट है, तो ये करेक्शन है। यस मगर यहाँ पर ये सोचने वाली बात है कि इमार बहुत बड़ा नाम है, इमार के प्रोजेक्ट्स तो पाकिस्तान में भी हैं, कराची में भी हैं, और यहाँ पे भी नो डाउट बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स नहीं होते इनके, होते ही ह्यूज प्रोजेक्ट्स। तो अब ये देखें कि ये जब ये सिर्फ एक मॉल नहीं बन रहा, इससे देखें हर तरफ खुशहाली है। एक तो जॉब्स क्रिएट बहुत होंगी, बहुत ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग करना पड़ेगा उनको, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े ब्रांड जब इतना बड़ा मॉल बन रहा है तो सारे ब्रांड्स आएंगे ना, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही सही नहीं होगी,
होगी तो फिर वहाँ पे उसको एक्सेस कैसे करेंगे? तो बूस्ट होगी जब टूरिज्म बढ़ेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी कि भाई 5 लाख मतलब स्क्वायर फीट पे कोई एक मॉल है जिसको कह रहे हैं, वो एक दिन में आप देख भी नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि जब आप उस इस तरीके की कोई नई चीज बनेगी तो टूरिज्म बढ़ता है, लोग आते हैं अपने टाइम स्पेंड करते हैं, तो उससे आपकी इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। इतने बड़े बड़े मॉल बहुत कम देखे जाते हैं किसी मॉल के अंदर या किसी एक शहर में होते, तो मगर ये इंडिया में भी बता रहे हैं एमआर वालों ने और यूएई वालों ने भी कुछ दिमाग ही लगाया है ना, जब भी तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर जैसी जगह को चूज किया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वैसे भी खुद भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। लेकिन तो वो उसके बाद फिर अगर उसके अंदर एक मतलब कहते ना एक चार मतलब चार सुहागा लगा दिया आपने, तो वो और ज्यादा अच्छी जगह, तो टूरिज्म बढ़ेगा, इससे इनकी इकोनॉमी को भी फायदा होगा, जॉब्स भी मिलेंगी, ये हर चीज को फायदा होगा, इससे इंडिया को ही ज्यादातर फायदा है। तो यार ये मैं अच्छा सिर्फ इंडिया नहीं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को भी बहुत फायदा होने जा रहा है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उनके लिए पास एक नई जगह आ जाएगी ना घूमने फिरने के लिए अपने लिए, और उनके पास नए नए ब्रांड्स आएंगे। आपके अंदर ही एक बड़ा इनिशिएटिव है ना, कभी हमने सुना ही नहीं जम्मू एंड कश्मीर में कोई मॉल्स है, मुझे नहीं पता कि वहां पहले कोई मॉल था, और अगर अब जो बनने जा रहा है तो वो ऐसा बनने जा रहा है कि वो पिछले सारे धो देगा जो भी आंसू दे रहा है उनको। ये है कि इंडिया के बहुत सारे वो बता रहे वीडियो में कि इंडिया के ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिसमें इतना कोई बड़ा मॉल नहीं है अभी, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भाई जम्मू और कश्मीर में ये खुल रहा है इतना बड़ा, वो भी ये नहीं है 5000 है, 5 लाख स्क्वायर फीट है। यस, तो यार ये बहुत ही खुशखबरी है, और एमआर वालों का कोई भी प्रोजेक्ट नो डाउट ये नहीं होगा, फेल वाला नहीं है, और ये भी नहीं है कि यार ये कोई छोटी मोटा स्टेट है और ये अभी आज बोल दिया तो ये कल वापस हो, नो या एमी बन जाएगा, मतलब कोई इतना क्लास का नहीं होगा, इनकी चीज है। हम वो तो एमआर के प्रोजेक्ट्स तो हमने कराची में भी देखे यार, ऐसे हैं कि मतलब आपको देखने का बार बार हर चीज वहां पे मतलब अवेलेबल होती है भाई। यस, तो यार आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, हमने भी एंजॉय किया, और हम बेस्ट विशेस कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भी कि यार उनके लिए एक बड़ा जबरदस्त इनिशिएटिव जो है ना वो लिया जा रहा है। तो वीडियो पे अगर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो किसका इंतजार है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो अगली तमाम वीडियो की अपडेट भी मिलती रहेंगी, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, जल्दी से लाइक करना। ढेर सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।